नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स से रिलेटेड डिस्कशन की सीरीज में मैं आज आपके साथ LIC पॉलिसीज के टैक्सेशन से रिलेटेड विषय पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। एक्चुअली इनकम टैक्स एक्ट 1961 में फिनेंस एक्ट 2014 से एक सेक्शन लेकर के आए 194DA, जिसने बोला साहब कि 1 लाख से ऊपर की यदि कोई LIC पॉलिसी की मेच्योरिटी है तो 1% की रेट पर TDS काटना है। तो अब क्वेश्चन ये कि सर, 1% की रेट पर यदि कोई LIC कंपनी आपको पेमेंट कर रही है और TDS काट रही है, तो क्या उनके TDS काट देने से वो अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा? तो घूम फिर करके बात ये आ रही है सर कि LIC पॉलिसीज का टैक्सेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब तक ये मान्यता रही है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज का जो भी मेच्योरिटीज होती है वो एग्जम्प्ट होती है। तो मैं इस बात की शुरुआत पहले एग्जम्प्ट पोर्शन के तरीके से करता हूं कि कब LIC पॉलिसीज का पेमेंट एग्जम्प्ट है और फिर जो बाकी बच जाएगा सर वो टैक्सेबल हो जाएगा। टू पुट इट इन सिंपल टर्म, आई वुड से इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961 देर इज अ सेक्शन सेक्शन कॉल्ड 10 क्लॉज 10D। वो ये व्यवस्था देता है सर, यदि आपकी कोई ऐसी पॉलिसी है जो कि 31 मार्च 2012 तक आपने करा ली थी और उसका प्रीमियम अमाउंट सम एश्योर्ड के 20% तक है, और 31 मार्च 2012 के बाद यदि प्रीमियम अमाउंट सम एश्योर्ड के 10% तक है, तो ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो भी मेच्योरिटी आएगी वो टैक्सेबल नहीं होगा। यानी एक उदाहरण के स्वरूप, यदि मैं आज किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास जाऊं या वो मेरे पास आए और वो कहें कि भाटिया जी, आप एक पॉलिसी ले लीजिए, हम आपको 5 साल बाद 5 लाख रुपए देंगे और आपको हमें 3 साल तक 75 75 हजार रुपये देने हैं। यानी मेरा प्रीमियम अमाउंट 75 हजार की रेट से 3 साल तक 2 लाख 25 हजार होता है और 5 साल बाद वो मेरे को 5 लाख रुपए दे देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में सर, मेरा सम एश्योर्ड है 5 लाख और मेरा एनुअल प्रीमियम है 75 हजार, जो कि 5 लाख का 10% यानी 50 हजार की सीमा से ज्यादा है। ये पॉलिसी की मेच्योरिटी जब भी मुझे होगी 5वें साल के अंत पे, तो सर रिलेवेंट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मुझसे 1% रेट पर TDS काटेगी। इसका मतलब मेरे हाथ में वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी जब भी मुझे रिसीव होगी। लेकिन मान लीजिए इसी 5 लाख वाली पॉलिसी में मुझे 5 साल तक प्रीमियम देना है 50 हजार और मुझे 5वें साल के अंत पे जाकर के टोटल 5 लाख मिल जाएंगे, लेट्स अज्यूम इस तरीके की पॉलिसी। अब क्योंकि प्रीमियम अमाउंट सम एश्योर्ड के 10% के बराबर है, इसलिए ये पर्टिकुलर पेमेंट मेरे हाथ में फ्यूचर में जब भी रिडम्पशन आएगा टैक्सेबल नहीं होगा। तो आपको आज जब आप पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो यह देखना पड़ेगा कि क्या आपका प्रीमियम अमाउंट सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा है। यदि हाँ, तो सर आपको उस पॉलिसी की मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी, अन्यथा उस पॉलिसी की मैच्योरिटी टैक्सेबल नहीं होगी। तो यहां सर मैंने एक चीज और आपको बोली, उसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि पॉलिसी ऑलरेडी कुछ ऐसी भी हो सकती है जो आपने करा रखी हो। यदि पॉलिसी आपकी 31 मार्च 2012 तक है तो ये क्राइटेरिया 20% का था, और यदि पॉलिसी 31 मार्च 2012 के बाद कराई यानी 1 अप्रैल 2012 ऑनवर्स, तो ये क्राइटेरिया घटा करके 10% कर दिया है। एक और बात सर जो ध्यान रखने की है वो क्या, अनफॉर्चुनेटली यदि किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है और उसने ऐसी पॉलिसी ले रखी थी जिसमें कि प्रीमियम अमाउंट सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा था, तो भी सर वो पॉलिसी की मेच्योरिटी रिलेवेंट लीगल हायर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि लीगल हायर के हाथ में गवर्नमेंट ने सेक्शन 10 क्लॉज 10D में एग्जम्पशन दे रखी है। तो मुख्य व्यक्ति जिसने कि इन्वेस्टमेंट किया है, यदि उसी को रिटर्न आ रहा है और पॉलिसी का प्रीमियम सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा है, तो उसको वो अमाउंट टैक्सेबल है, नहीं तो नहीं होगी। अब एक विवाद जो यहाँ जन्म लेता है वो क्या, कि मैंने सर कॉन्ट्रीब्यूट तो किए 2 लाख 25 हजार मेरी पहले के उदाहरण में 3 साल में 75 हजार की रेट से, आए मुझे 5 लाख, तो सर केवल 2 75 ही तो टैक्सेबल हो, 2 25 जो मैंने कंट्रीब्यूशन किया है वो क्यों टैक्सेबल हो? यहाँ लॉ बड़ा क्लियर नहीं है। लॉ तो ये कहता है साहब टैक्सेबल हो जाएगा अमाउंट, तो क्या पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो? मुझे लगता है सर टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, क्योंकि मेरे 2.25 लाख तो मेरी कॉस्ट है और मुझे मिले उसके ऊपर 5 है, तो मेरी इनकम केवल 2 75 होनी चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है, परंतु लॉ में क्लैरिटी नहीं है सर। तो भविष्य में देखना होगा कि किस प्रकार से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको डिसाइड करता है, लेकिन ये व्यू गलत नहीं होना चाहिए कि केवल जो मैंने अर्निंग करी मेरे 2.25 के ऊपर वो टैक्सेबल हो। हाँ, एक विवाद और जो हमें यहाँ पर
समझ लेना चाहिए जिसका भी आंसर आ जाए तो। मान लीजिए यदि मेरी पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जिसमें प्रीमियम अमाउंट सम एश्योर्ड के 10% से ज़्यादा है, यानी 5 लाख और 75,000 वाला उधर, तो क्या मुझे ATC मिलेगा क्या सर? ऐसी परिस्थिति में सर आपका जितना प्रीमियम 10% के बराबर आता है, यानी 5 लाख की पॉलिसी 75,000 का प्रीमियम, 10% के बराबर प्रीमियम होता है 50,000, तो आपको 50,000 का ATC मिल जाएगा, बाकी 25,000 रुपये का आपको ATC नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से भी सर हमारे को ATC संबंधी व्यवस्था भी ध्यान में रखनी है। तो आई होप सर LIC पॉलिसी के टैक्सेशन से रिलेटेड ये डिस्कशन आपके फ्यूचर टैक्स प्लानिंग में, LIC पॉलिसी के टैक्सेशन में आपको हेल्प करेगा। मैं इसी तरीके के और टॉपिक आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए भविष्य में भी लाते रहने की कोशिश करूंगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।